हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल जे के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे बोस क्लास ट्वेल्थ आईटी आईटीईएस क्वेश्चन पेपर ऑफ ईयर 2023 इस डिस्कशन से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस चैनल पर ऑल क्लासेस के लिए क्वेश्चन पेपर्स गेस पेपर्स और मॉडल पेपर्स लाते रहते हैं तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं जो कि आई टी का क्वेश्चन पेपर है क्लास ट्वेल्थ का टू का ये सिक्सटी मार्क्स का आया था और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एटीन आए थे और इस पेपर में जो टाइम है इस पेपर में टोटल टाइम टू आवर्स थर्टी मिनट्स थे ढाई घंटे थे तो ये एक वोकेशनल सब्जेक्ट है आई टी आई टी हम डिस्कस करेंगे पहले वहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे और ईच क्वेश्चन में फाइव मार्क्स थे तो पहला क्वेश्चन आया था डिस्कस अंटरप्रेनरशिप एंड क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल अंटरप्रेनर तो डिस्कस करना था अंटरप्रेनरशिप क्या होता है और क्वालिटीज़ एक सक्सेसफुल अंटरप्रेनर की इसके इसके इंटरनल चॉइस में आया था क्वेश्चन आर में डिस्कस एबाउट ग्रीन जॉबस वट आर द ग्रीन वट आर द ग्रीन जब्स एवेलेबल इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर तो ग्रीन जॉबस डिस्कस करनी थी और बतानी थी कौन सी ग्रीन जॉबस एवेलेबल होती हैं वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में फिर क्वेश्चन नंबर टू इज डिकस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिफाइन यूनिट टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग तो ये डिस्कस सो पहले ही आपको डिस्कस करना था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है फिर इसके बाद यूनिट टेस्टिंग बतानी थी डिफ़ाइन करनी थी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग डिफाइन करनी थी वाइट बॉक्स टेस्टिंग डिफाइन करनी थी इसके इंटरनल चॉइस में आया था क्वेश्चन आर में या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना था डिस्कस ब्रीफली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रीफली डिस्क्राइब करना था सॉफ्टवेयर uh, इंजीनियरिंग और लिस्ट करना था लिस्ट द फेजेस ऑफ एसडीएलसी फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट साइबर क्राइम साइबर क्राइम को रुकाने के लिए आ, रोकने के लिए हम आ, क्या कौन कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं फिर हैं क्वेश्चन नंबर फिर इसके और में आया था क्वेश्चन इंटरनल चॉइस में व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ हेल्थ ह्यूमनस फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और ईच क्वेश्चन में तीन मार्क्स तो क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू ओवरकम पर्सनालिटी डिसऑर्डर कुछ स्टेप्स बतानी थी जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर में फिर है क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ कैन वी मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस द बीटा वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर बीटा वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्कस करना था क्वेश्चन नंबर सेवन वट इज़ एयर पोलूशन एंड जॉब्स अवेलेबल इन सोलर एंड विंड एनर्जी सेक्टर एयर पोलूशन क्या होता है एक्स डिफ़ाइन करना था फिर इसके बाद बताना था जॉब्स कौन से अवेलेबल होती हैं सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर में फिर हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इज राइट फ्यू फीचर्स ऑफ लिनैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ फीचर्स बताने थी लिनैक्स लिनैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज़ क्लाउडिंग कंप्यूटिंग कलाउडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है क्वेश्चन नंबर टेन इज डिफाइन टर्मज ये डिफाइन करने थी टर्म ए पार्ट कॉपी क्या होता है बी पार्ट पेटेंट क्या होता है सी पार्ट ट्रेडमार्क क्या होता है ये डिफाइन करना था थोड़ा थोड़ा सा लिखना था फिर हैं फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन में दो मार्क्स हैं फिर क्वेश्चन नंबर अलवन इज वाट इज डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग एक्टिव लिसनिंग और लिसनिंग के बीच में डिफरेंस बताना था क्वेश्चन नंबर टुवेल्व इज वट डू यू मीन बाई सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी इज वाट इज द नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड बतानी थी जरूरत फिर हैं क्वेश्चन नंबर फोटी इज राइट डाउन सिटेक्स फार दू द फॉर लूप इन पाइथन तो सिटेक्स फॉर mm, लिखना था द फॉर लूप के लिए पाइथन में फिर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इज़ एनी टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्रामिंग दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बतानी थी जो कि यूज़ होती हैं सिर्फ़ दो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज़ लिस्ट फ्यू फीचर्स ऑफ स्मार्टफोन स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स बताने थे फिर हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन नै एनी टू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मोबाइल फ़ोनज़ मोबाइल फ़ोनज़ में कौन से दो ऑपरेटिंग सिस्टम बत आ, हैं वो आपको वो बताने थे लिखने थे फिर हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन में एक मार्क्स क्वेश्चन नंबर एटीन का पहला पार्ट लाइबर केल एंड एम एस आर तो इनमें से टिक करना था कोेक्ट वन सेपरेट शीट्स हैं प्रेजेंटेशन एस डब्ल्यू हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है नॉन ऑफ दीज़ फिर है सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट इज़ डैश सॉफ्टवेयर इज यूज डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द स्लाइड शो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है डिस्प्ले करने में एक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो तो स्प्रेड शीट है वेब ब्राउजर है या प्रेजेंटेशन ऑपरेटिंग सिस्टम तो टिक करना था करेक्ट वन को फिर, number, फिर है क्वेश्चन नंबर फिर थर्ड पार्ट है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज़ आलसो नोन एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को और क्या कहते हैं इनमें से फंक्शनल टेस्टिंग है हाफ वेर टेस्टिंग है कंप्लीट टेस्टिंग है यूनिट टेस्टिंग है तो टिक करना था करेक्ट वन को फिर है फोर्थ पार्ट इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ अ पर्सन हु हू अप्लाइज द प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू डिज़ाइन अ सॉफ्टवेयर तो ये ट्रू फॉल्स आया था फिर है फिफ्थ कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट टू अ प्रोग्राम इन पाइथन तो ये भी ट्रू फॉल्स आया था तो इनमें एक एक मार्क्स था ईच में फिर है सिकस्थ पार्ट सिकस्थ पार्ट इज रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम ब्लॉक ऑफ कोड ओवर एंड ओवर इज़ रेफर्ड टू एज तो अगर रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन हम करेंगे सेम एक सेम ब्लॉक एक को एक कोड के कोड uh, को हम रिपीटेडली जो है uh, इसको क्या कहते हैं रखेंगे तो so, इसको क्या कहते हैं स्क्रिप्टिंग कहते हैं कंपाइलेशन uh, कहते हैं इटरेशन कहते हैं डिबगिंग कहते हैं फिर है सेवनथ पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एच टी एम एल टैग इनमें से कौन सा एच डी एम एल टैग नहीं है तो ये करेक्ट बताना था आपको ऑप्शन फिर है एट्थ पार्ट एट्थ पार्ट इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग एच डी एम एल टैग इज़ यूज फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में कौन सा एच डी एम एल टैग यूज़ होता है तो ये, ये है. इन ये ऑप्शन है इनमें से आपको बताना कौन सा यूज़ होता है फिर है नाइन्थ नाइन्थ इज़ द एस एम एस स्टैंड फार एस एम एस क्या कहते हैं स्मार्ट मोबाइल सर्विस को स्मॉल मोबाइल सर्विस को शॉर्ट मैसेज सर्विस को या सिस्टम मैसेज सर्विस को तो आपको इन, इसका फुल फॉर्म बताना था फिर हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन इज़ क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इवाल्व आई कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस और ए नेटवर्क इज़ कॉल्ड जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी होती है जिसमें इन्वॉल्व होता है कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क एक तो उसको हम क्या कहते हैं तो आ, ये फिल इन द ब्लैंक्स आया था थैंक्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनको हेल्प मिल सके और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप चैनल के प्ले सेक्शन में जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हो थैंक्स